रानी का भोग, वो भी नवरात्र में। तो उसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है, उसे थोड़ा सा गरम कर लिया है। फिर हम उसमें लेंगे देसी घी, और फिर हम उसमें लेंगे बादाम, काजू और किशमिश, और उसे रोस्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से। और फिर हम उसे एक पैन में निकाल लेंगे, और फिर हम लेंगे सूजी यानी कि रवा, और फिर उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और उसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। और फिर हमें लेना है दूध, यहाँ पे आपको दूध बॉईल लेना है ताकि वो उसमें फटे ना। और फिर हम उसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और उसमें हम लेंगे चीनी, आप उसे अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। और फिर हम उसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और उस हलवे को थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। और फिर हमें उसमें डालना है रोस्ट करे हुए अपने काजू किशमिश, और उसे सर्व कर देना है। और फिर हम अपने आगे की प्रोसेस को देखते हैं। और फिर हमने यहाँ पे लिया है एक बाउल में आटा, और उसे अच्छे तरीके से डो बना लिया है। फिर हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हम डालेंगे देसी घी, और हम अपनी पूरियाँ को फ्राई कर लेंगे बिल्कुल फूली फूली कुछ इस तरह से। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और फिर हमें प्लेट लेना है, और वहाँ पे हमने लिया है बॉयल चने, जिसे मैंने कुकर में बॉयल कर लिया है नमक के साथ। तो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर।